हेलो एवरीवन, तो ये मेरा 7 डे है 21 डेज चैलेंज का। मैंने डिसाइड किया कि पॉट खरीदते हैं, उसमें कलर करते हैं, फिर उसके बाद उसमें इंडोर प्लांट को लगाएंगे। तो शॉप में हमें सबसे ज़्यादा ये वाले पॉट पसंद आए, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। छोटे छोटे से पॉट हैं, काफ़ी क्यूट से पॉट हैं ये। तो मैंने एक पॉट 15 रुपये का ख़रीदा। बार्गेनिंग करने का ट्राई किया पर हो नहीं पाई हमसे, तो मैंने 10 पॉट खरीदे हैं। फिर उसके बाद घर पे जो पेंट बचा हुआ था, तो वो वाला पेंट मैंने यूज़ किया है। आपके घर में जो भी पेंट बचा हुआ आप उसका यूज़ कर लो। काफ़ी जल्दी सूख जाता है इस पर कलर, क्योंकि मैंने इसको पानी में भी नहीं भिगो के रखा था, और इस वजह से काफ़ी जल्दी सूख जा रहा था कलर। पर फिर भी उसके बाद ही मैंने सब पे एक कोट करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको धूप में रखकर छोड़ा था ताकि कलर अच्छे से सूख जाए। उसके बाद मैंने इस पर सेकेंड कोट किया था प्रॉपर अच्छे से कलर आ जाने के लिए। आप इस पे किसी भी टाइप की डिज़ाइन बना सकते हो, जिस टाइप की आपको पसंद हो। पर मैंने इस पे लीफ प्रिंट किया है। लीफ प्रिंट काफ़ी इजी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैंने लीफ प्रिंट का यूज़ किया। तो ये मेरा एक पॉट कंप्लीट हुआ, हमें तो काफ़ी प्यारा लग रहा था। आप बताइए आपको कैसा लगा। फिर सिर्फ ग्रीन कुछ खाली खाली सा लग रहा था, इस वजह से हमने इस पे रेड प्रिंट भी ऐड किया। रेड और ग्रीन होने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 3 घंटे में मैंने प्रॉपर सारे पे कलर कर लिया था, सब पे प्रिंट कर लिया था। तो फाइनली मेरे ये प्रिंट हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने इस पे प्लांट लगाए, फिर हमने भाई की हेल्प लेके इसमें नॉट टाई करने का ट्राई किया, क्योंकि इसको टेरेस पे लगाना था। 4-5 वीडियोस देखे उसके बाद तो ये नॉट हम लोग बनाना सीख पाए हैं। तो हमारा 7th डे का चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप भी इसको ट्राई करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।